एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मैजिकल रेमेडीज। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो एंजल नंबर्स नहीं करना चाहते या स्विच वर्ड्स नहीं करना चाहते, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपको सिर्फ एक बार करनी है, अपनी लाइफ में आपको एक बार करनी है और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उसमें हमें काफ़ी दिन तक के लिए वेट करना पड़ता है या उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एकदम से सब कुछ बुरा नहीं होता, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस से सारी चीज़ें हो जाती हैं। एकदम से अगर आप अपनी एनर्जी को स्विच करना चाहते हैं, वो स्विच वर्ड्स या एंजल नंबर्स के थ्रू पॉसिबल है, बट स्टिल आज मैं आपके साथ एक ऐसा विश फुलफिलमेंट रेमेडी या टोटका या उपाय वो बताने वाली हूँ जिससे आपके घर में सिर्फ दो चीजें वो आपको मिल जाएंगे आपके घर में, जिससे आप अपनी कोई भी अधूरी इच्छा पूरी कर सकते हो, चाहे वो घर लेने की हो या फिर आपके एग्जाम पास करने की हो या फिर आपके ड्रीम जॉब की हो या फिर मनी की हो, कोई भी लव मैरिज की हो, कोई भी इच्छा। बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको पता चल गया होगा, वैसे भी आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपके साथ एक रुमाल से रिलेटेड चीज शेयर करने वाली हूँ। बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अभी हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको एक चीज बता दूं, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज लेकर आ चुकी हूँ जिसके ऊपर बहुत सारे जो काले धागे वाला उपाय है जिससे काफी लोगों को रिजल्ट मिले और बहुत सारे वीडियोज में लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को एक बार चेक कर सकते हैं। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 300 समथिंग वीडियोस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जो मैं वीडियोस बताती रहती हूँ वो भी यूज करते रहा करें ताकि जल्दी से जल्दी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए और आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, वैसे बहुत छोटा सा वीडियो है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगी। दो मिनट की चीजें हैं वो आपको फटाफट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक रुमाल लेना है। रुमाल व्हाइट कलर का होना चाहिए, प्रिंटेड भी हो सकता है या फिर कलरफुल भी हो सकता है, बट आपको व्हाइट होना चाहिए, यानी कि व्हाइट प्रिंटेड होना चाहिए, कलरफुल इन द सेंस, सॉरी, व्हाइट प्रिंटेड होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, व्हाइट हो, व्हाइट प्लेन होगा तो भी चलेगा, व्हाइट प्रिंटेड होगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं हो कि ब्लू, रेड, येलो आपने लिया हुआ है उसमें हल्का हल्का व्हाइट है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर रुमाल आपके पास ऐसा घर में रखा है तो अच्छी बात है, उसे धो के इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं रखा तो आप बाजार से ले आएंगे, कोई बात नहीं, 5-10 रुपए का रुमाल आएगा इजीली, बस 5-10 रुपए का। ये जो कुल टोटल मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ ये सिर्फ 50-60 रुपए में आपका सारी रेमेडी हो जाएगी, वो भी बहुत कम, वो भी बहुत ज्यादा मैंने आपको बताई है। अगर सपोज आपको रुमाल लेना है तो बाजार में, तो मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं। आपकी मर्जी के अनुसार आपके इसमें पैसे खर्च हो सकते हैं। अगर आपके पास रुमाल है तो पक्की सी बात है आप ये रेमेडी करेंगे, और घर में सबके पास पैसे तो होते ही हैं, 11-21-22 रुपए तो सबके पास होते ही होते हैं, नहीं तो अभी तक इतनी गरीबी तो नहीं चाहिए। तो ये इसमें हमें सिर्फ इतनी ही दो चीज चाहिए होती है, सिर्फ हमें दो चीज चाहिए। आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी, आज वीडियो देखते साथ ही आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, इसके साथ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। सिंपल सी चीज है, आपको एक रुमाल चाहिए, कुछ पैसे जो कि 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, ये सिर्फ आपकी मर्जी है। अगर आप इसे 11 रुपए से भी करोगे तो भी चलेगा, 21 रुपए से करोगे तो भी चलेगा, 51 रुपए से करोगे यानी कि 51 रुपीज से करोगे तो भी चलेगा, अगर 101 रुपीज रखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 रुपीज से लेकर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम शगुन में रखते हैं, जैसे हम 11 रुपए रखते हैं या 21 रुपीज रखते हैं, आप कुछ भी हम जब रखते हैं तो 1 का सिक्का जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही डिनोमिनेशन लेना है, यानी कि 11 रुपीज, 21 रुपीज, 51 रुपीज, 101 रुपीज, इस तरीके से लेना है, ये आपके ऊपर। अब आपको एक वो जो रुमाल मैंने आपको कहा है वो रुमाल आपको लेना है, उसमें आपको वो पैसे लेने हैं, वो डिनोमिनेशन लेना है जो आपने रख लिया है, उसको उस रुमाल पर रखेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ये उपाय आपको करते हुए कोई भी ना टोके, आपका कोई घर का इंसान ना टोके, आपसे ये ना पूछे कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ चीज़ कर रहे होते हैं तो पीछे से आके कोई बोल देता है ये क्या कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो, इससे क्या होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये चीज़ ना रंग नहीं लेकर आती। कहते हैं ना उपाय फिर काम नहीं होता, फिर आप लोग कहते हैं हमारे को तो उपाय बताया आपने तो हमारे काम नहीं बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपने उस रुमाल के ऊपर आपने वो पैसे रखने हैं, अब उसमें बांध देनी है आपको एक गांठ, एक गांठ उसमें रख के बांध देंगे, पर
गांठ लगाते वक्त आपको वो विश बोलनी है अपनी। आपकी विश अगर है, सपोज आपका घर खरीदना चाहते हैं, तो मेरी जल्दी से जल्दी मेरा घर बन जाए। अगर आपका यह है घर बेचना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरा घर बेच जाए, जो भी घर है उस बारे में सोच के। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरे पेरेंट्स मान जाए और हमारी लव मैरिज हो जाए। गांठ बांधते हुए हमारा एग्जाम क्लियर करना है, तो जल्दी से जल्दी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए और आपने गांठ बांध देनी है। मेरे को ड्रीम जॉब मिल जाए, या कोई आप पर्टिकुलर जॉब को मैनिफेस्ट करें, तो भी आप उसको गांठ बांध के जॉब के बारे में सोचेंगे, वो मुझे जॉब मिल जाए और गांठ बांध देंगे। इस तरीके से आपको विशेष को बोलना है। अब आपको उस रुमाल का क्या करना है, अब आपको उस रुमाल को ऐसी जगह फेंक देना है, ऐसी जगह जहां पर कोई भी ना आपका हाथ लग पड़े। मतलब आप ढूंढेंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद भी वो रुमाल आपको ना मिले, मतलब वो रुमाल आपकी आंखों से ओझल हो जाए। आप उसे बिस्तर में डाल दीजिए, आप उसे किसी अलमीरा में डाल दीजिए, ऐसी जगह डालिए जहां पे आप सालों सालों तक आप उसे वहां हाथ नहीं लगा सकते। आपको ढूंढना भी पड़े कि वो मैंने कहाँ रखा था, तो उसे बहुत टाइम लग जाए आपको ढूंढने में। ऐसे आपको ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे किसी की नजर ना पड़े, यानी कि आपने बिस्तर में डाल दिया, बेड के अंदर डाल दिया, या अलमीरा के अंदर डाल दिया, कहीं पर भी डाल दिया, किचन में ऐसी जगह डाल दिया जहां पे ना मिले, ऐसी जगह आपको डालना है। ठीक है, जब वो विश पूरी हो जाएगी, वो 11 रुपए उठा के आप या जो भी पैसे आपने डाले होंगे वो मंदिर में दे देंगे, रुमाल को धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये जल्दी से जल्दी आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी। कोई भी विश आपकी, वो बहुत 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 जल्दी पूरी हो जाएगी। सच बोल रही हूँ दोस्तों, करके देखिएगा तभी रिजल्ट मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।